देखिए बच्चों, तरुण स्कूल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12th विषय अनिवार्य हिंदी, इसके अंतर्गत आज अपन व्याकरण के अंतर्गत अध्याय 4 अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। बोर्ड परीक्षा से संबंधित अलंकार के बारे में 2 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, या तो एक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण पूछ लिया जाता है, या वह एक पंक्ति दे दी जाती है और उसमें अलंकार का नाम पूछ लिया जाता है, या 2 अलंकारों के बीच में भेद और उदाहरण पूछ लिया जाता है। तो देखिए अलंकार क्या होता है। वैसे तो अलंकार का सीधा सा अर्थ है कि शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। तो देखिए अर्थ क्या होता है। अलंकार शब्द है वो अलंक और कार दोष शब्दों से मिलकर बना है। अलंकार अर्थ शोभा तथा कार का अर्थ करने वाला, अर्थात तो इसका सीधा अर्थ है शोभा करने वाला या शोभा बढ़ाने वाला। तो काव्य में शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अब देखिए अलंकार की परिभाषा। अलंकार शब्द का सामान्य अर्थ आभूषण है, आभूषण अर्थात गहना या शोभा। जिससे आभूषण से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार से अलंकार से पंक्ति में शोभा बढ़ती है। तो आभूषण जिस प्रकार शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, ठीक आभूषण की तरह, यानी ठीक उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं, या काव्य में अलंकार से शोभा बढ़ती है। काव्य शास्त्र के आचार्य दंडी के अनुसार अलंकार की परिभाषा देखिए कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्ते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द ही अलंकार है। जिन शब्दों से काव्य की शोभा बढ़ती है उन शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, लेकिन कक्षा 12th के अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत 2 प्रकार के अलंकारों के बारे में ही पूछा जाता है। तो पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। तो सबसे पहले देखिए अलंकार के 2 प्रमुख भेद है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो सबसे पहले शब्दालंकार क्या होता है उसके बारे में देखिए। जब काव्य पंक्ति में चमत्कार केवल शब्दों पर आधारित हो, यानी चमत्कार सिर्फ शब्दों पर आधारित हो, चमत्कारिता सिर्फ शब्दों से बढ़ती है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। यानी काव्य पंक्ति में शब्दों पर जो चमत्कारिता होती है उसे शब्दालंकार कहते हैं। और अगर प्रयुक्त शब्दों को हटाकर, जो शब्द आए हैं उसको हटाकर, उनका कोई पर्यायवाची जिनका एक ही अर्थ निकलता हो रखने पर चमत्कारिता खत्म हो जाती है, यानी वैसी चमत्कारिता, तो वहां शब्दालंकार होता है। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाई, यहां पंक्ति में कनक की जगह उनका पर्यायवाची स्वर्ण रखने पर, कनक और स्वर्ण का एक ही अर्थ होता है, और अगर कनक की जगह उनका पर्यायवाची स्वर्ण रखने पर हैं तो उसकी चमत्कारिता खत्म हो जाती है, चमत्कारिता खत्म हो जाती है। अतः यह अलंकार शब्द विशेष पर आधारित है, इसमें शोभा शब्दों पर है और शब्द विशेष पर ही आधारित, शब्दों से पर ही इनकी शोभा बढ़ती है। अब दूसरा देखिए अर्थालंकार। अर्थालंकार का दूसरा भेद है अर्थालंकार। तो जहाँ काव्य पंक्ति में या कविता में चमत्कार या शोभा उसके अर्थ पर आधारित होती है, शब्दों का जो अर्थ है उसके आधार पर उसमें चमत्कारिता होती है, तो वहाँ अर्थालंकार होता है। तो शब्दालंकार में शब्द पर आधारित है, और जबकि अर्थालंकार में अर्थ पर आधारित चमत्कारिता होती है। तो काव्य पंक्ति में शब्द की जगह, जो भी शब्द है उनकी जगह उनका पर्यायवाची रख भी दिया जाए तो भी चमत्कारिता वैसी ही रहती है जैसे पहले थी। अब उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि चली
आ रही थी फैन, उगलती फन फैलाए व्यालों सी। तो इनकी जगह अगर उनका पर्यायवाची रख दें, चली आ रही थी, तो उनकी जगह उमड़ रही थी, फैन उगलती फन फैलाए व्यालों की जगह सर्पों सी, तो भी चमत्कारिता वैसी ही रहती है जैसी पहले थी। इसलिए ये शब्द विशेष पर आधारित है, अर्थात इसे शब्द अलंकार कहते हैं। ये अपने पढ़ा अलंकार के प्रमुख दो भेद होते हैं जो हमारे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो अब देखिए अर्थ अलंकार के प्रमुख भेद, सॉरी शब्द अलंकार के प्रमुख भेद देखिए। शब्द अलंकार प्रमुख तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। यह है शब्द अलंकार के प्रमुख भेद। जहाँ शब्द अलंकार का पहला भेद है अनुप्रास अलंकार, और इसकी परिभाषा देखिए, जहाँ काव्य पंक्ति में वर्णों की हो, यानी वर्णों की आवृत्ति हो, अर्थात एक ही वर्ण बार बार आते हैं। जहाँ काव्य पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति हो अर्थात एक ही वर्ण बार बार आते हैं, तथा चाहे उसमें शब्दों की समानता हो या विषमता हो, शब्द भले ही समान न हो, शब्द अलग अलग हो, लेकिन जब शब्दों में वर्णों की आवृत्ति होती है तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास का अर्थ होता है काव्य पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति होना। जैसे उदाहरण के तौर पे, बड़े बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल। तो यहाँ देखिए ब वर्ण की आवृत्ति हुई है, बड़े बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल, यानी ब वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। कि बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन को, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई। तो इसमें बिगड़ी बात बने ब वर्ण की आवृत्ति है, और यहाँ करो किन कोई के वर्ण की आवृत्ति है। तो इस पंक्ति में भी अनुप्रास अलंकार का हुआ है। तो अनुप्रास अलंकार की सीधी सी पहचान है कि काव्य पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति होती है। अब देखिए अनुप्रास अलंकार के प्रमुख, पहला छेक अनुप्रास, दूसरा वर्त्य अनुप्रास, तीसरा श्रुत्य अनुप्रास और चौथा अंत्य अनुप्रास। ये अनुप्रास अलंकार के प्रमुख चार भेद होते हैं। अब देखते हैं शब्द अलंकार के, पहला अनुप्रास अलंकार, शब्द अलंकार के प्रमुख भेदों में पहला अनुप्रास और दूसरा है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार क्या होता है और इसकी परिभाषा देखिए, जहाँ काव्य पंक्ति में एक ही शब्द बार बार आए, एक ही शब्द है वो बार बार आए, शब्द बार बार आता है किंतु प्रत्येक बार उनका अर्थ अलग अलग हो। शब्द बार बार आता है, बार भी उसका अर्थ समान है हो, अर्थ उनका प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो। जहाँ शब्दों की आवृत्ति, सीधी सी परिभाषा है कि जहाँ शब्दों की आवृत्ति होती है, शब्द बार बार आते हैं लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ है वो अलग अलग होता है, तो वह यमक अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाई, वह खाई बोराई जग या पाए बोराई। तो देखिए कनक कनक दोनों का अर्थ एक ही होता है, लेकिन इस पंक्ति का अर्थ दोनों का अर्थ अलग 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 निकलता है। कि कनक अर्थ सोना भी होता है, स्वर्ण भी होता है, और कनक अर्थ धतुरा भी होता है। तो कनक कनक ते 100 गुनी, यानी एक कनक से दूसरे गुने में 100 गुनी मादकता या नशा आदि। व्यक्ति सोना पाने पर भी पागल हो जाता है और धतूरा खाने पर भी पागल हो जाता है। तो ये वह खाए बोराई जग या पाए बोराई, यानी कोई भी मिलने पर व्यक्ति पागल हो जाता है। फिर अगला देखिए, भजन कहियो ताते भजियो, भजियो ने एको बार, दूरी भजन जाते कहियो सो तू भजियो गवार।
इसमें कवि कहता है कि भजन कहियो ताते भजियो, जिस भजन को तुमने भजने के लिए कहा था या स्मरण करने के लिए कहा, भगवान की भक्ति करने के लिए कहा था, उस भक्ति को या उस भजन को तुमने एक बार भी स्मरण नहीं किया, भजियो ने एको बार। दूरी भजन जाते कहियो, जिस भजन से या जिसको याद करने से या स्मरण करने से तुम्हें दूर रहने के लिए कहा था, यानी संसार की मोह माया में न फंसने के लिए तुम्हें कहा गया था, तो उसमें तू जाके फंस गया, इसलिए तू गंवार है। सो तू भजियो गंवार है, नहीं गंवार मूर्ख आदमी, तू संसारी मोह माया में फंस गया, इसलिए तू मूर्ख है क्योंकि तुमने भगवान की भक्ति नहीं की। तो इसमें भजियो शब्द बार बार आया, लेकिन उसका अर्थ है वो अलग अलग होता है। और अब देखिए, इनके भी दो भेद होते हैं, यमक अलंकार के दो भेद होते हैं, अभंग यमक अलंकार और दूसरा सबंग यमक अलंकार। अब यह शब्द अलंकार का भेद श्लेष अलंकार, तो देखिए श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, जहाँ काव्य पंक्ति में एक शब्द केवल एक ही बार आए, यानी चिपका हुआ शब्द के अंदर ही उसका अर्थ निकलता हो, यानी जहाँ काव्य पंक्ति में एक शब्द केवल एक ही बार आए किंतु उस शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हो। शब्द तो केवल एक ही बार आता है, लेकिन उस शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं, उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं, यानी इसका अर्थ होता है चिपका हुआ या चिपका, शब्द के अंदर ही इसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो इसका उदाहरण देखते हैं कि परिभाषा हमने देखी थी कि काव्य पंक्ति में एक शब्द केवल एक ही बार आए, लेकिन उस शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ देखिए उदाहरण के तौर पे, पानी गए न उबरे मोती मानस चोन। तो पानी गए न उबरे मोती मानस चोन, तो यहाँ पानी के तीन अर्थ चोन के रूप में, तो यहाँ पानी शब्द के में श्लेष अलंकार है क्योंकि इसके तीन अर्थ निकलते हैं, क्योंकि पानी के तीन अर्थ है। देखिए पानी का मोती के रूप में चमक, और दूसरा मानस यानी मनुष्य के रूप में इज्जत, और तीसरा चोन के रूप में जल। तो यहाँ पानी शब्द के तीन अर्थ निकलते हैं, तो इसलिए ये एक ही शब्द में दो या दो से अधिक अर्थ जिसमें छिपे हो वह श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पानी में तीन, पानी के तीन अर्थ निकलते हैं, और श्लेष अलंकार के भी दो भेद होते हैं, अभंग श्लेष अलंकार और दूसरा सभंग श्लेष अलंकार। तो हमने जाना शब्द अलंकार के प्रमुख भेद, पहला अनुप्रास अलंकार था जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है, यानी एक ही वर्ण बार बार आता है, दूसरा यमक अलंकार जहाँ एक ही शब्द बार बार आए लेकिन उसका प्रत्येक बार अर्थ अलग अलग हो वह यमक अलंकार होता है, और श्लेष अलंकार में एक ही शब्द में दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हुआ श्लेष अलंकार होता है।